Margaret. Drives, good-looking stroke between extra cover and mid-off, and that's four runs. And that will do Ahmed a lot of good, give him a lot of confidence. And Saeed Anwar applauding for his teammate. Ahmed driving that one beautifully, picking the gap on the offside. That was a beautiful shot of the front foot through extra cover, all along the ground. Beauty to watch. Tucks it away, this time to mid-wicket. He comes back for the second, and it's going to be over the boundary line for four runs. Another five. 238 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 6106 रन्स सलीम मलिक ने बनाए हैं 33.52 की औसत से 5 सेंचुरियां और 39 मिस सेंचुरियां उन्होंने अब तक बनाई हैं। अब सबसे खासी बाहर गेंद थी और बाहर की जाने ब्रेक होती हुई इस गेंद को कट किया सलीम मलिक। मलिक 8 बॉलिंग कर रहे हैं ग्रैंड प्लान और इस मरतबा सलीम मलिक को मौका मिला, उन्होंने इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाया। भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक सलीम मलिक का, एक और चौका, 13 रन सलीम मलिक के हो गए। पाकिस्तान के स्कोर 127। बहुत ही उम्दा 30वें ओवर की आखिरी गेंद, बड़ा फाइन खेला सलीम मलिक ने। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर उसके पीछे पीछे हैं। बड़ी अच्छी कोशिश की उन्होंने डाइव करके आगे की जाने गेंद रोकने की, मगर कामयाब ना हो सके और गेंद उनके जिस्म से टकराने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और चौका सलीम मलिक, 17 नॉट आउट, पाकिस्तान 131 30वें ओवर के अख्तिताम पर। बहुत ही उम्दा शॉट, बड़ा फाइन खेला लेट ताकि वो फाइन जा सके, और वहाँ पर चूंकि कोई फील्डर नहीं था और फील्डर ने भाग कर रोकने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके, और इस तरह से एक और अच्छा शॉट सलीम मलिक का। इट इज रिस्ट फॉल स्ट्रांग अगेन एंड सलीम इज डाउन ऑन हिज नी। दैट्स अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक डाउन टू स्क्वायर लेग, फोर रन्स, वेरी वेल टाइम्ड, ही वेंट डाउन ऑन हिज नी एंड डाउन ही कम्स। दैट्स अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, अप गो द आर्म्स ऑफ umpire Shakil, and that's a fine stroke by Ahmed Sohail, getting to the pitch of a flight with delivery with a high back lift and a flourish of the bat to send the ball down to the long on boundary for a six. Salim on strike. Salim has played this square cut quite regularly, only to find the fielder in the path. Ahmed has so far faced 67 balls and he's been there for 94 minutes. Pretty good strike rate of 74. So your sixth stump again, the outside the stump. बहुत बोल्ड हो गए इस मरतबा आमिर सोहेल, और आमिर सोहेल ने भी इस मरतबा तकरीबन उसी तरीके का शॉट खेला जैसे सईद अनवर खेलने गए थे। बाहर निकलकर जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, गेंद बिल्कुल सीधी रही तो बोल्ड हो गए, तो आमिर सोहेल की इनिंग के इख्तिताम को पहुंची। 55 रन्स बनाने के बाद वो आउट हुए, 160 कुल स्कोर, और आमिर सोहेल ने 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 78 गेंदों पर 76 रन्स पाकिस्तान को और चाहिए हैं। और इस मरतबा सलीम मलिक क्रीज से बाहर आए, उठता हुआ जोरदार शॉट सलीम मलिक का, और गेंद हमारे बिल्कुल सामने बाउंड्री लाइन से दूर जाकर गिरी, जोरदार छक्का सलीम मलिक का। यहां पर आए हुए तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद ने खड़े होकर अच्छा स्ट्रोक के लिए सलीम मलिक, 2 रन उन्हें हासिल होंगे, 2 रन स्कोर इजाफा हुआ
पाकिस्तान के स्कोर में और सलीम मलिक अब अपनी निस सेंचुरी से सिर्फ 3 रन के फासले पर। उनकी 40वीं निस सेंचुरी होगी वनडे इंटरनेशनल मैचों में। पाकिस्तान की तरफ से जावेद मियांदाद को सबसे ज्यादा निस सेंचुरियां बनाने का एजाज हासिल है, जिन्होंने 50 निस सेंचुरी। विटल टू सलीम मलिक, दे गो थ्रू फॉर 1। Well, if you've noticed, they've spread the field round for Salim Malik and they want to give single to Salim and try and bowl at the 39th over. Tucked away to square leg by Salim Malik. They take one, coming back for the second, and that goes over the boundary line, 4 runs. Very fine stroke by Salim Malik. Played with a velvet bat on that occasion, turned it just at the precise moment and bringing the crowd to it. Was the backbone of Pakistan's innings. They kept the running, the runs coming in, kept the scoreboard ticking. And after Amir left, Salim Malik took it single-handedly and is still here batting.